ना ही मिली है शांति, ना ही मिली है रोशनी, कोई तो मिल जाए यही उम्मीद में हम उठ गए हैं। और इसी के साथ हमारा फोन वापस बज रहा है सुबह सुबह का। अलार्म ऑफ कर लो भैया, थैंक यू थैंक यू। और कुछ है? थैंक यू थैंक यू। हम जा रहे हैं अभी। बड़ा अच्छा लगा ये सब मैसेजेस देख के, बट शांति और रोशनी का मैसेज किसी का नहीं आया। मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, क्या करें हम, ना ही शांति मिलती है ना ही रोशनी मिलती है, क्या करें हम। हम इतने सज धज के जाते हैं, रोज ऑफिस जाके सोचते हैं मे भी कोई मिल जाएगा मे भी, बट नहीं, कभी नहीं मिलता। हम अपने दांत वात घस लेते हैं, सोचते कि हमारे मुंह से अच्छी खासी बदबू आएगी, यस अच्छी खासी बदबू, यू हर्ड मी राइट, बट फिर भी कोई भाव नहीं देता। इतनी गहरी सोच में आज तक मैं भी नहीं ब्रश किया होगा जितना ही गहरी सोच में ये गबर ब्रश करते हैं भैया। हमारे भैया कुछ ज़्यादा ही गहरी सोच में रहते हैं जब वो ब्रश करते हैं, और इन्होंने थूक दिया इधर। आजकल थूक से ही काम चला रहा बन रहा है, क्या करें आखिर में, भाव नहीं मिलता तो यही होता है। देखो देखो इनको, इनको देख के कौन कौन सोचेगा इनको देख के कि इनको भाव नहीं मिलता, फिर भी इनको भाव नहीं मिलता है, इतने प्यारे हो के भी इनको भाव नहीं मिलता है। हेलो कैसे आर यू, व्हाई डू यू कीप शोइंग अप, व्हाई डू यू केयर, आई एम नॉट इवन सपोज टू बी इन द स्टोरी राइट। रियु तू ऐसा बोलेगा स्टोरी में, तेरे को ऐसा बोलेगा तू, आई शाइन ब्राइट एज अ सन इल्यूमिनेटेड इन द पार्ट फॉर, बट आई कांट वॉक माई सेल्फ अनकॉन्शियस। ओ बाय द वे एक्चुअली लुक्स टू बी सम सनलाइट टुडे, टेक एडवांटेज ऑफ इट। यस फाइनली मैं जॉब से फायर होने वाला हूँ, ना रोशनी ना शांति, सिर्फ एनिमे देखने को मिलेगा मेरे को अभी। यस ब्रो छोड़ के चला गया मेरे को, आज आखिरी स्टेज है ब्रो, तू सोच छोड़ के चला गया मेरे को आखिरी स्टेज पे, ऐसा करेगा तू मेरे साथ, ऐसा करेगा तू क्या रे भैया, ऐसा करेगा तू मेरे साथ, हाँ का करी छे लाइक सीरियसली, क्यों छोड़ छे हमको, क्यों छोड़ी छे। ओके नाइस नाइस गुजराती बेस्ट शिट एवर। कहाँ मिलता है हमको छोड़ के, हमको अकेला छोड़ दिया, ये भी हमको अकेला छोड़ दिया, अब हमको कौन देखेगा। एलिवेटर में तो कोई भाविच नहीं देता हमको, ऐसा लगता है कि हम इधर अकेले बैठे हैं एलिवेटर में, और ये भाव दे देखो ली कि लड़की लड़का भाव ही नहीं चले, भाविच नहीं देते। ओ चार चार चैप्टर से तुम लोग भाव नहीं दे रहे हो, ये आखिरी चैप्टर पे तो भाव दे दो हमको, उतना भी नहीं कर सकते, भाव ही नहीं दिया, उल्टा दरवाजा ही बंद कर दिया, बोला जल निकल। ओ हेलो मेरे को लगा तुम लोग चले गए, एज यूजुअल। ए छोरी सुन ना छोरी, अरे दिखाना बॉयफ्रेंड के साथ चैट कर रही है क्या, अरे दिखाना रे, अरे दिखाना अभी दिखाना दिखाना, तेरे बॉयफ्रेंड के साथ चैट कर रही है क्या तू, दिखाना मेरे को, अरे दिखाना। अरे हम सेम अपार्टमेंट में रहते हैं, आई मीन अलग अलग अपार्टमेंट में रहते हैं बट सेम फ्लोर पे रहते हैं। थैंक यू फॉर इग्नोरिंग मी। सैड लाइफ बट विल कंटिन्यू ऑन विथ आर सैड लाइफ, बिकॉज गुड लाइफ तो मिलने नहीं वाला है हमको।
Checkmail, of course checkmail, because why not? Divorce? Divorce? साले तेरी बीवी है? भाई तू girlfriend क्यों ढूंढ रहा है तो? जा बीवी को खुश कर ले, like what the heck? खुश करने नहीं होता तो मेरे को बुला ले, like what the heck? Okay. क्या हुआ? ये क्या हुआ? हाँ? Somebody needs to explain to me हो क्या रहा है इधर? What? Oh. Okay, I'm here again. एक मिनट तुम व्हाट? ओह माय गॉड, यू नो व्हाट? आई विल बी राइट बैक. व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? सीरियस, व्हाट द हेल? ये फर्स्ट टाइम हो रहा है. व्हाट? व्हाट? तो मुझे समझाएगा क्या हो रहा है इधर? What the hell? What? What? एक तो मुझे गंदे फ्रेम रेट्स आ रहे हैं, दूसरी बात what the hell? Oh wait, इधर क्या है? मेरे को बहुत गंदे फ्रेम रेट्स आ रहे हैं, like literally बहुत गंदे. वो हम अकेले इधर बैठे हैं रोशनी की तलाश में, बाकी सब ढूंढ रहे हैं शांति को, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रोशनी है, तो उनको जरूरत क्या है शांति की? इसके लिए हम शांति को ढूंढ रहे हैं. अबे क्या हो रहा है? सीरियसली क्या हो रहा है? आई डोंट नो. वो 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 व्हाट? Excuse me? क्या हो रहा है इधर? सीरियसली क्या हो रहा है? मुझे आइडिया नहीं क्या हो रहा है इधर. बट मेरा कैरेक्टर कहाँ था? ओके. व्हाट द हेल? व्हाट द एक्चुअल फक इज हैपनिंग हियर? आई एम टोटली कंफ्यूज्ड कि क्या हो रहा है इधर. Like the heck? Seriously, the heck is happening here? अबे और उधर नहीं जा पा रहा हूँ मैं. ओह अच्छा इधर ये हो गया, ये खुल गया है. ओके. हेलो छोकरी, आर यू माई वाइफ? आर यू माई वाइफ? At worst. Hello. Konnichiwa. You not my wife? Okay, I go away. I go away. You not wife my. I not sell you. I search my wife who I sell. Where my wife? I sell her. What? Unauthorized. What? क्या लिखा है इधर?
unauthorized unless क्या unless you get back to your इस वक्त पे पड़ी भी नहीं है आखिरी लाइक की है मेरा आखिरी दिन है इस गेम में और इस ऑफिस में तो आई डोंट केयर इस पॉइंट पे होली शिट सबके सब उड़ गए लाइक व्हाट नाइस वन अब मुझे कोई समझाएगा क्या हो रहा है इधर एक्सक्यूज मी डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर तो तेरे से बात करके फायदा क्या है अभी चल क्या रहा है भाई इधर सच्ची में कुछ नहीं समझ रहा है क्या चल रहा है इधर करना क्या है मुझे लाइक लिटरली करना क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे को इधर से जाना था लॉल क्या करने जा रहा है भाई तू फ्रेम रेट्स इतने हाई क्यों है लाइक आई मीन बहुत लो है इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड हाँ मैं फायर हो गया थैंक यू वैसे ही पैसा नहीं है मेरे पास और कितना पैसा लेगी रे पैसा है ही नहीं मेरे पास कितना पैसा लेगी ले 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 लैंड भी ले ले साथ में मैं पैसा है नहीं और पैसा ले रही है ये क्या है अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई ये क्या है भाई एक्सट्रैक्टिंग क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हो भाई एक्सपांडिंग क्या एक्सपांड कर रहे हो भाई डायरेक्टिंग और इतना यार एपिलेप्सी वार्निंग किसी को एपिलेप्सी है तो स्टोरिंग अबे क्या कर रहे हो भाई इतना इतना डेटा क्या ले रहे हो भाई मेरे दिमाग से मेरा दिमाग इतना भी अच्छा नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो लाइक व्हाट द हेक क्या था ये कुछ तो येलो येलो था डट्टी फेलो व्हाट और ये हम हाय किसी दुनिया में अरे भाई भाई प्रिंस ऑफ पर्शिया स्टाइल ओ भाई प्रिंस ऑफ पर्शिया ओ भाई भाई अभी प्रिंस ऑफ पर्शिया खेल रहा था ओ भाई एकदम प्रिंस ऑफ पर्शिया स्टाइल में चल रहा है हमारा बंदा लाइक लुक एट हिम लुक एट हिम लुक एट हिम एकदम प्रिंस ऑफ पर्शिया स्टाइल में चल रहा है बंदा लाइक लुक एट दिस गाय लुक एट दिस गाय अरे भाई भाई अभी क्या हो गया तू यूनिटी इंजन का बंदा क्यों बन गया अभी लाइक व्हाट द हेल अच्छा चलो वापस प्रिंस ऑफ पर्शिया लुक एट दिस गाय गो इन प्रिंस ऑफ पर्शिया मोड लुक एट दिस गाय गो इन प्रिंस ऑफ पर्शिया मोड प्रिंस ऑफ पर्शिया मोड में जा रहा है एकदम शांति में अब रुक गया क्या करने वाला है भाई तू कॉम्प्लायंस लॉस्ट ओके अरे भाई प्रिंस ऑफ पर्शिया अरे भाई स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन एक्स प्रिंस ऑफ पर्शिया यस दैट दी 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 ओनली क्रॉस ओवर आई वांट टू सी ये क्या अब ये क्या करने वाला है भाई चुम्मा देने वाला है क्या भाई क्या कर रहा है भाई ओ भाई ये क्या था भाई अबे 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 क्या हो रहा है तेरे को ये क्या है भाई ये क्या है ये सही में क्या है अच्छा उधर जाना है क्या एकदम मेरे को समझा मेरे को कहाँ जाना है
मेरा कर्जर की तरह मेरे को दिख ही नहीं रहा है, बट ठीक है। अच्छा मेरे को दिख गया कर्जर की तरह मेरा। थोड़ा और इधर अबे, इधर जा और जा उधर। अच्छा इधर को ये करना है क्या? अच्छा चल चल ऊपर चढ़, ऊपर चढ़। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ऊपर चढ़ते जा, चढ़ते जा, ऊपर चढ़ते जा। यस यस, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ओके एक मिनट, कहाँ पे जाना है मेरे को एग्जैक्टली? ओके इधर है। चल ऊपर जा, साइड में आ, साइड में आ, ऊपर आ गया, अभी साइड में आ जा। भाई ये क्या कर रहा है, पार्कोरिंग मोड में आ गया यार। सच्ची में प्रिंस ऑफ पर्शिया है भाई, मतलब लिटरली प्रिंस ऑफ पर्शिया बन गया ये। राजा ऑफ पर्शिया बनने का बड़ा शौक है इसको, राजा बनने का शौक था जो पूरा नहीं हुआ इसका, अभी वो पूरा कर रहा है पूरा अपना राजा बनने का शौक। एक मिनट ये करना पड़ेगा मेरे को। अभी मेरा ये किधर है, कर्जर किधर है मेरा? अच्छा कर्जर, कर्जर है किधर? हाँ इधर है। आइए हरा हरा आ गया अभी, हरा हरा। और ये हरा हरा करता क्या ऐसे? अच्छा लाल लाल चला गया, हरा हरा गया। अभी चल क्या रहा है इधर में बाय द वे, मेरे को समझ नहीं रहा है। लाइक मुझे समझ में आ गया, गेम लोनली लोगों का है, मतलब लाइक व्हाट। हाँ तो सही जा रहा है ना ये बंदा, और कहाँ पे जाएगा? चलते जा। लाइक मुझे इतना तो पता है गेम लोनली लोगों का है, लाइक हाउ लोनली पीपल फील एंड एवरीथिंग, लाइक हाउ दे लुक एट द वर्ल्ड वगैरह, बट स्टिल लाइक व्हाट द हेल इज दिस। आई एम प्रिटी श्योर अ लोनली पर्सन डज नॉट फील लाइक दैट, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट दैट अ लोनली पर्सन डज नॉट फील लाइक दैट, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट फेस। सो आई नो कि एक लोनली पर्सन ऐसे फील नहीं करता है, आई एम प्रिटी श्योर। Like I have been through phase, I have imagined my own world and shit, like I know that it's like that kind of shit, like जहाँ पे तुम imagine करना शुरू कर देते हो एक अपने खुद का world वगैरह, जहाँ पे like एक ideal world बना देते हो अपने mind में वगैरह, because of this loneliness you have it in your heart. So you start making this own world of yours, and I know he's making this old world and everything, but still dude, what kind of world is this jahan pe tum prince of persia ban jate ho, spiderman ban jate ho, what the hell is wrong with you? Like ek sath itne sare cheeze ban jate ho ki bhai main khud bhi confused ho gaya hu ki tere ko banna kya hai aakhir mein. Like I used to imagine various shit, I used to imagine my original characters and shit, like I used to imagine myself in a world of anime and everything, like there was a lot of shit that I used to imagine when I felt lonely and stuff, and that helped my like. In all honesty, अगर सच्ची बात है ना, lonely people have the most imaginary power. अगर तुम लोग, अगर उनकी imagination पूछे जाए ना, they have the capability of imagining various shit that even you can't imagine. And I think that's what makes lonely people OP in a way. Whoa. I think that this is a good example actually, agar lonely person ke baare mein ki wo imagine kya karte hai actually, because they can imagine anything from the smallest shit to the like hardcore shit that there is an existence. So yeah, this is more like a, I would say a psychological thing that happens a lot, and this is his like dream world where he wants to be acknowledged by people, he wants to make friends, but he can't because of his lack of anxiety like and everything. And so that's what makes a difference here, like lack of communication, lack of like this social anxiety and everything that he has, that's what makes the difference here. And I like dheere dheere hum log ko pata chalta hai iske life ke bare mein, like how he has this social anxiety and he does not know how to communicate with people and everything, so he's trying to get out of that uncomfortable feel when he's around people and everything. I think so that's what makes this game such a unique one for me, because
normally I would be like, oh, whatever. But I think so that's what made this game stand out for me. Like, the jokes and sab kuch kiye, apart from that, it's still a good game about a lonely person's life, if I had to put correctly. Don't tell me it's gonna die at the end. Is that how it's gonna end? That's how it's gonna end, isn't it? Don't do it. I feel like that's how it's gonna end. I think so, it's dead. So that's how it's gonna be. Like, I think so it's more of a... More like a... Like, he's bored of his life and shit. He's done with his life. Because he just can't get out in the social life he's living and everything. And he said, that's what... Yeah. Hey, who is messaging at this time? Stop, bro. I'm doing something. Rishu! Hello, welcome back. Welcome back, Rishu. I knew that you would come back. I know there is... What? मैं रियू को कंट्रोल कर रहा हूँ सीरियसली ओ रियू उठा मेरे को रियू ऊपर लेके चल ऊपर लेके आई थिंक रियू के वजन से वो उठा भी सकता है मेरे को चल ऊपर चल लेते चल मेरे को जा रे ऊपर जा और ऊपर जा यू कैन डू दिस You can do this. Yes. What? इतनी शांति क्या मुझे शांति वाप फाइनली मिल गई है? I don't know. Oh, hello. Elric? ये Elric क्या? क्या कर रहा है भाई तू? एक मिनट. तो wait. अरे ये तो मैं है भाई. Elric मैं. अबे Rishu saxophone वाला. अरे Karisma Baabi. अरे भाई ये क्या हो गया? All of a sudden, सब कुछ आ गया. I mean, I don't disagree. I do have an acoustic guitar. So, Billy, yeah. What the hell? Couples? Couple वाली Billy है. अबे Rishu बंद कर. पहले खत्म हो गया show. That's nice, yaar. So I finally decided to like be free and just like okay, let's create a band and shit. That's nice. Okay, that was a nice ending. Okay, I wasn't expecting that because literally he got over that social anxiety he had. And I think so throughout this journey that he was going through, like the main character was going through, he was imagining this world and shit and everything, and he was just tired of the society and everything. Like, uski khud ki freedom nahi thi, aise feel ho raha tha. And I think so that's what made this game so much more. It was so much more towards like how society would see me and everything. Like, I said, that's what it is all about, a lonely person's life and how he feels being lonely and everything. I said, that's what makes it different here. In the end, it all came down to him breaking his social anxiety, getting to know the people, and just leak finally getting through it. Even to mujhe lagta hai end mein wo mar gaya and this is his dream and everything. I think so that's what it is, but I would like to think this is a happy ending. I don't know exactly end mein kya ho raha hai abhi. I don't exactly know kya hua end mein, but if anything, that's my guess ki wo most probably he just decided to suicide and that's how it ended up on.
That's what I want to say. But it could be possibility that throughout his journey, like he was going through all this journey, he met Rishu Saxophone wala, ya fir he met Elric or Karisma Baabi. So like he met all these people on his way, and I think so that's what makes, like, it may be possible that he made a band and everything. So who knows? Like, it was a cool game, okay? It was a cool game all around. Like, it tackled a lot of issues with lonely person's life and everything. And I think so that's why it was a good game, because most of the things that we see is, like I said, like, lonely person's vision se ye sab kiya gaya. And how they create their own world just to stray away from this world, this society they live in and everything. I think so that was a pretty cool idea about Mosaic and everything. If I had to give any rating to this game, in all honesty, it would be a 8 out of 10, I think so. Because I felt like the game took it, अरे उसमें पजल एलिमेंट्स, लाइक वो वाला पजल वाला एलिमेंट ना बहुत ज़्यादा ओवरयूज हुआ था, कि वो तुम लोग को बार बार वो वाला वाइट वाला पजल जो करना था तुम लोग को, सो जो तुम लोग ऑफिस में करते थे बेसिकली पजल, सो वो एलिमेंट ना कुछ ज़्यादा ही यूज़ हो गया वो गेम में. आई थिंक सो दैट काइंड ऑफ टुक अवे फ्रॉम व्हाट आई एक्चुअली वॉन्टेड टू प्ले विद दिस गेम. लाइक आई वॉन्टेड टू गेट इन टू स्टोरी एंड एवरीथिंग, बट ऑलवेज लाइक दिस पजल यूज टू कम इन माई वे एंड आई वॉज लाइक अरे यार वापस ये करना पड़ेगा मेरे को अभी, लाइक 10-15 मिनट इसी में जाएगा, एंड आई हेटेड दैट फर्स्टली. अदर देन दैट, इफ आई टू से समथिंग, देयर वर सम ग्लिचेस एंड बग्स जो मुझे पसंद नहीं थे, सो आई वॉज जस्ट लाइक देयर वर सो मेनी ग्लिचेस एंड बग्स इन मिडल, सो आई वॉज नॉट एबल टू प्रोग्रेस, सो मुझे बार बार गेम रिस्टार्ट मारना पड़ा था, एंड इट वॉज एनोइंग एट अ पॉइंट. सो उसके लिए मैं थोड़े पॉइंट्स काटूंगा इस गेम, बिकॉज इट वॉज अ गुड गेम. इट हैड अ वेरी इंट्रीगिंग स्टोरी, इट हैड a very good like tackle to the social life issues and everything. Pretty cool game all around. Anyways, I'll see you guys in the next video. तुम लोग को ये game कैसे लगा तुम लोग जरा बताना, subscribe करना अगर तुम लोग को मेरा content पसंद है, यार ऐसा daily content चाहिए, like करना अगर तुम लोग को ये series पसंद आई हो. Series की playlist होगी ऊपर कहीं तो corner में, राइट हैंड कॉर्नर में कहीं पे तो होगी, सीरीज़ की प्लेलिस्ट आ जाएगी कहीं पे भी. एंड विद ऑल ऑफ दैट एंडिंग, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस गेम, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑलवेज पीच.